MNS 2024 की कट ऑफ के लिए एग्जैक्ट डाटा चाहिए था, ठीक है। और वो जो एग्जैक्ट डाटा होता है ना, वो बच्चों ने जब कमेंट सेक्शन में उनका बताया कि उनका सिलेक्शन हुआ है, देन आई आस्क देम कि आप अपना सिलेक्शन का बताओ अलॉन्ग विद देयर कॉलेज, बट आप उसके साथ साथ अपने नीट के मार्क्स भी बता दो, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द MNS 2024 कट ऑफ मार्क्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम 2024 की कट ऑफ बता दीजिए जिसके अकॉर्डिंग हम 2025 के लिए प्रिपेयर करें। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, बिकॉज अगर आइडिया हो जाता है ना कि चलो इस साल ये कट ऑफ गई है, देन बच्चों के लिए ईजी हो जाता है कि इतने तक MNS में सिलेक्शन लेने के लिए इतने तक स्कोर करना है, ठीक है। तो वो देखेंगे इस वाली वीडियो में। अब देखते हैं कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके कितने कितने मार्क्स उन्होंने नीट में स्कोर किए हैं, ठीक है। इस लिस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर कम था तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और इस लिस्ट में वो वाले बच्चे भी हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई था बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि क्यों हुआ है। तो सबसे पहले है महक भैया, इनका 623 था और इनका सिलेक्शन हुआ है, बट इन्होंने अपनी जो सीट है वो लेफ्ट कर दी है बिकॉज देयर इज़ नो परमानेंट कमीशन, ठीक है। मतलब सिर्फ 14 ईयर्स की सर्विस है, उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब को आगे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बिकॉज उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं आप, देन ही आप तभी आपका जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो परमानेंट सर्विस कमीशन में होता है, वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमांशी का, इनका 508 मार्क्स है बट इनका नहीं हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं हुआ था और सेकेंड में भी नहीं हुआ है। शिल्पी यादव, इनका 531 मार्क्स था बट इनका नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला है 531 मार्क्स हैं, सेकेंड राउंड में कितने चांसेस हैं, मतलब कि नहीं हुआ है। और सेकेंड में भी मैंने इनका कमेंट देखा था, सेकेंड में भी शायद इनका नहीं हुआ है, ठीक है। सफ़ा का 561 मार्क्स हैं, ठीक है। डू आई हैव एनी चांसेस ऑफ गेटिंग रेफरेंस नंबर इन द सेकेंड लिस्ट, मतलब सेकेंड लिस्ट में अगर पूछ रही है मतलब फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं निमिषा का क्या है, 500 से नीचे मार्क्स हैं बट इनका नहीं हुआ है, ठीक है। इन्होंने सफ़ा से पूछा था कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो उसमें उन्होंने बताया, ठीक है। अब आते हैं अभिषेक, तो इनके 5555 मार्क्स हैं बट इनका नहीं हुआ क्योंकि ये जनरल कैटेगरी से थे। तो आप देख रहे हैं मतलब 561 555 मार्क्स के बच्चों का भी इस साल नहीं हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट जो है वो अनन्या का है, इनका 589 मार्क्स पर भी नहीं हुआ है, ठीक है। और लेकिन दिव्या का साथ में जिसके 573 थे वो सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो वेरिएशन देखो, मतलब 589 में तो ऑलमोस्ट 590 मार्क्स पर नहीं हुआ बट 573 मार्क्स पर हो गया। अब आते हैं रोशनी के 552 मार्क्स हैं बट फिर भी नहीं हुआ इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो है रितिका है, इनका 580 मार्क्स पर भी नहीं हुआ लेकिन पीछे 573 पर हुआ था, ठीक है। 520 पर भी नहीं हुआ, 522 पर इनका हुआ है, मैंने इनके पहले वाले कमेंट देखे थे, तो जो फेलिस को है ना इनका हुआ है 522 पर, बट ये 520 पर नहीं हुआ शिका का। तृप्ति का 562 था बट इनका नहीं हुआ, ठीक है। आते नेक्स्ट पे, ये थोड़ा मतलब ऐसा डाउट है, देखो खुशी का है, इन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, 639, ठीक है। तो एंड माय CBT एंड इंटरव्यू वाज आल्सो टू गुड, मेडिकली फिट इन एवरी एस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर वेट, दैट टू जस्ट फॉर 2 kg, एटलीस्ट दे कुड गिव सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट वॉट कैन समवन डू इन फ्रंट ऑफ हिज वाई हर बैड डक, फर्स्ट प्रिपेयर दो फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूपिड एग्जाम, जिसके पेपर लीक हो जाते हैं, जिसमें यू वुड फाइंड योर माइंड बॉडी एंड एवरीथिंग फेड अप, बॉडी कैसे अफेक्ट नहीं हुई, इट वॉज अबाउट जस्ट 2 kg मैन। तो मतलब इसका ये हुआ, जैसे मैंने बेसिकली तुम लोगों को बोला था कि अगर मेडिकली फिटनेस किसी भी टर्म में अफेक्ट होती है, देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस डिस्पाइट ऑफ योर स्कोर दैट यू आर स्कोरिंग द नीट एग्जाम, CBT एग्जाम एंड द इंटरव्यू। इट डजंट मैटर कि आप कितना स्कोर करते हैं, बट अगर आप मेडिकल में अनफिट हैं देन यू विल बी आउट, ठीक है। तो इनका बैड लक था कि सिर्फ 2 kg की वजह से ये आउट हो गई, बाकी सारे मेडिकल्स में फिट थी बट वेट की वजह से ही आउट हो गई। एंड हर मार्क्स वॉज टू गुड भाई, 640 मार्क्स भाई, अगर ये नहीं होती ना मेडिकली अनफिट इन वेट तो श्योरली उसका हो जाता, बिकॉज उसका इंटरव्यू और CBT बहुत अच्छा गया था, ठीक है। अब आते नेक्स्ट पर, रितिका का नहीं हुआ 580 पर, ठीक है। नजरीन का 561 पर नहीं हुआ, बाबुल पुनिया का 570 पर नहीं हुआ, ठीक है। फिर आते दीपिका ने बोला है कि 530 वाले का हुआ है लेकिन 577 वाले का नहीं हुआ, डिफरेंस देख रहे हो कितने ज़्यादा हो गया, बट 577 वाले का नहीं हुआ लेकिन 530 वाले का हो गया,
ठीक है, कोमल का 583 पर भी नहीं आया, यामिनी का 530 पर नहीं आया, ठीक है, और 511 पर भी नहीं आया, तृप्ति का 562 पर भी नहीं आया, ठीक है, श्यामचंद्र का 511 पर नहीं आया, जनरल कैटेगरी से हैं, सुनिधि यादव, दिस इज द ओनली गर्ल जिसको मैंने देखा है कि जिसका 482 पर हुआ है, ठीक है, एंड इसका रीज़न जो इसने बताया वो है कि इसका इंटरव्यू वॉज टू गुड, वेरी लॉन्ग था, ग्रेड फॉर 7 straight 7 minutes एंड वाइल लिविंग द साइकोलॉजी टीचर, मतलब जो ऑफिसर होते हैं उन्होंने खुद बोला था कि दैट यू आर मेड फॉर द आर्मी, ठीक है, तो इसका जो 482 पर जो हुआ है ना उसका रीज़न यही है कि इनका जो इंटरव्यू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, और नीचे देखो 570 पर नहीं हुआ लेकिन 482 वाले का हो गया बिकॉज इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मतलब वो होता है ना कि किसी किसी ऑफिसर को अगर कोई बच्चा उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग जाए, उसको उनको वो पसंद आ जाए, उनकी हैबिट्स अच्छी लग जाए, उनका आईक्यू लेवल अगर उनको पसंद आ जाए, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा लगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो टीचर्स होते हैं इंटरव्यू वाले, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं इंटरव्यू वाले, वो अफेक्ट करते हैं उनको बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट में, उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, कब किसको कौन सी बात क्लिक कर जाए, एंड दैट विल बी लाइक किसी किसी का लक होता है ना, तो लक और डेस्टिनी भी मैटर करती है, ठीक है, 482 पे मतलब ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल था, दिस इज़ द ओनली गर्ल, ठीक है, जिसका 482 पर हुआ है, बाकी सारे के सारे बच्चे 500 प्लस में है, ठीक है, तमन्ना का देखो 503 में नहीं हुआ, ठीक है, तो इस बार MNS 2024 की जो कट ऑफ रही है अगर सुनिधि को कंसीडर करें तो वो कितनी है, 482 मार्क्स है, बट दिस इज़ ओनली फॉर वन गर्ल, सिर्फ वन गर्ल का हुआ है 482 मार्क्स पर, बाकी सारे बच्चे जो थे वो सारे 500 प्लस थे, ठीक है, तो ये चीज़ भी कंसीडर करना कि सिर्फ एक लड़की है जिसका 482 पर हुआ था, उसका लक बोल सकते हैं, डेस्टिनी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको मतलब ऑफिसर्स को उसकी क्वालिटी कोई पसंद आ गई, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, बिलो 500 उसकी क्वालिटीज जो थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट हैज़ आई थिंक अफेक्टेड द ऑफिसर्स सिटिंग देयर और मार्क्स अदरवाइज, तो ये चीज़ कंसीडर करना कि सिर्फ एक लड़की का 482 पर हुआ है, बाकी सारे जो बच्चे हैं उनका ना 500 प्लस पे हुआ है, तो ये मत सोच लेना आगे के लिए कि अरे नहीं हम तो 500 से नीचे स्कोर करेंगे तो हमारा 2025 में हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल भी मत सोना, सोचना यू हैव टू स्कोर हाई एटलीस्ट अबव 500, ठीक है, उसके साथ साथ इस बार बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि सिर्फ नीट का मार्क्स ही नहीं बल्कि आपका इंटरव्यू, आपका CPT, आपका मेडिकल फिटनेस, बहुत ये सारी चीज़ें भी इक्वली मैटर करती हैं जितना आपका नीट का स्कोर मैटर करता है, ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको कट ऑफ क्लियर कर दी कि ये कट ऑफ रही है, और इसके अलावा अगर किसी को 2025 के लिए अगर कोई प्रिपरेशन टिप्स या कुछ और चाहिए तो वो मुझे बता दो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट।